दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नर्सरी के बारे में बताऊंगा। नर्सरी को एक या नर्सरी से नियर वेयर द प्लांट्स आर रेज्ड फॉर इवेंचुअल प्लांटिंग ऑफ एज ऑर्डिनरीली बोथ सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांट्स। मतलब नर्सरी या पौधरोपण वह जगह है, वह स्थल है जहाँ पर हम पौधों को तैयार करते हैं वृक्षारोपण के उद्देश्य से। अर्थात हमको जहाँ पे भी पौधा रोपण करना रहता है उसके पहले हम पौधों की तैयारी करते हैं। उस जगह को जहाँ पे हम पौधे की तैयारी करते हैं उस जगह को हम नर्सरी कहते हैं। पौधा तैयारी हम सीडलिंग से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं या राइजोम से कर सकते हैं। ये सब नर्सरी में विभिन्न प्रकार से हम पौधों को तैयार करने के लिए तकनीक अपनाते हैं। कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जैसे ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जबकि सीडलिंग्स या बाई सीड्स ये आपका एस्पेक्ट्रल प्रोडक्शन में थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम स्टम्स या कटिंग को यूज करते हैं। ये नर्सरी क्यों चाहते हैं, नर्सरी हमारे को क्यों आवश्यक है? नर्सरी हमको इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि यदि हम सीडलिंग या जगह मौके पे हम सीधा बीज बुआई करते हैं तो बीज बुआई करने से कई बार कुछ स्पीसीज की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, जैसे करंट की आपका बहुत धीरे बढ़वा होती है। उसकी अपेक्षा दूसरे पेड़ पौधे या खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स वहां पे तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे बीज से जो पौधा उत्पन्न हुआ है या हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन उसकी बर्बाद नहीं नहीं होती, इसलिए हम वहां पे सीडलिंग्स जाते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो हर साल भी उत्पन्न नहीं उत्पन्न करती, उन कंडीशंस में हमको पुराने सालों के बीज को लेके नर्सरी में तैयार किए तत्पश्चात हम उसको मौके पे लगा सकते हैं। कुछ नर्सरी ऐसी होती है जिनको कि हमको ये मालूम है कि ये मेथड श्योर है। कुछ बीजों की वायबिलिटी बहुत कम होती है, उनके केस में क्या होता है कि हमको समय पे बीज बुआई करें, जैसे साल है, आपका नीम है, आम है, इनकी बीज की वायबिलिटी बहुत कम होती है, तो इनको हमको पहले ही नर्सरी में तैयार करना पड़ता है, तब फिर हम मौके पे लगा सकते हैं। देन हमारा जो नर्सरी होता है, नर्सरी में तैयार पौधे ज्यादा सिक्योर होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट ऑपरेट कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशंस में भी वो सक्सेसफुल होते हैं, और जहां पर हमारे बायोटिक प्रोसेस ज्यादा होता है वहां एक रेजिस्टेंशन में हमारा नर्सरी के पौधे ही हमको सर्वाइव कर सकते हैं बजाय डायरेक्ट सीड्स के। हमारा नर्सरी होता है दो टाइप का, परमानेंट नर्सरी, टेंपरेरी नर्सरी। परमानेंट नर्सरी या केंद्रीय रोपणी वो जगह होती है जहाँ के हमारे पास पूरे साल भर पौधे उपलब्ध होते हैं। टेंपरेरी नर्सरी हम किसी जगह पे प्लांटेशन करने जा रहे हैं, बरसात की कंडीशन में वो जगह का हवागमन अवरुद्ध हो जाएगा या फिर पानी बरसाती नाले के कारण ट्रक या लोड हमारा वहां तक पौधा नहीं पहुंच सकता। उस कंडीशन में हम गर्मी में ही पौधों को वहां पे पहुंचा देते हैं मौके पर, और मौके पे पहुंचाने के बाद वो प्लांटिंग सीजन तक वहां पे रहते हैं, इनको हम टेंपरेरी नर्सरी कहते हैं। परमानेंट नर्सरी हमारी होनी चाहिए जैसे सेंट्रली लोकेटेड हो, जहाँ पे भी हमको प्लांटेशन करना है उसके इर्द-गिर्द में चारों ओर रहे, जिससे कि हमारे को ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भाड़ा कम से कम आ सके। यदि हमारा इंसेंटिव नर्सरी रहेगी तो हमको पौधा परिवहन में बहुत अधिक व्यय होगा। कन्वीनियंट सिचुएटेड होनी चाहिए, अर्थात रोड पे होनी चाहिए, जिससे कि हम बार बार इसका इंस्पेक्शन कर सके, कोई भी व्यक्ति उसको जाके देख सके, बीज है, बुआई है, पानी है, खाद है, दवाई है, वो समय पे और मौके पे पहुंच सके। फिर सुटेबल लेआउट होना चाहिए, जैसे उसका उसके अंदर रोड है, इंस्पेक्शन पाथ है, बेड्स फॉर सोइंग है और ट्रांसप्लांटिंग बेड्स है, ये सारी चीजें वहां पे नर्सरी में अवेलेबल होती है। सेंट्रल नर्सरी में या परमानेंट नर्सरी में परमानेंट वाटर का सोर्स होगा,
साइज की होगी। और इस नर्सरी को चूंकि हम गर्मी में बरसात के पहले पौधे वहां पे शिफ्ट करते हैं, इसलिए हमको पानी की आवश्यकता इस नर्सरी के लिए भी होती है। पर इस पानी की आवश्यकता के लिए हम डब्बेल, ट्यूबवेल या किसी भी प्रकार के बोरिंग पे नहीं जाते हैं, हम कोशिश करते हैं वहां पे रिवर हो या परमानेंट स्ट्रीम हो जिसके पास हम ये नर्सरी सिचुएटेड कर सकें। इसके बाद आते हैं हम कि हमको जब हमारा ये आधार क्लियर हो गया कि हमको परमानेंट नर्सरी पे जाना है या टेम्परेरी नर्सरी पे जाना है, तो फिर नर्सरी के सिलेक्शन का क्या होगा, मतलब साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द नर्सरी। तो नर्सरी जो होनी चाहिए वो सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए जैसे अभी मैंने बताया, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो सके। एक्सेसिबिलिटी, द एरिया शुड बी एक्सेसिबल बाय द रोड, अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी पहले बताया कि आसपास में रोड रहेगा तो हम बार बार जा सकते हैं, सामान पहुंचाना आसान होगा, दवाई है चीजें हैं वो पहुंचाना आसान होता है। टोपोग्राफी, जनरली नर्सरी की टोपोग्राफी फ्लैट होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप फ्लैट नहीं रखते हैं या अनुलेटिव टोपोग्राफी में रहेगा तो लेबलिंग में खर्चा अनावश्यक होगा। यदि हमारे जो हिली एरिया है या 5-10% स्लोप है तो हमको कंट्रोल फेंसेस भी लगाना पड़ेगा, इसमें अगेन लेबलिंग का खर्चा। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि लगभग लगभग फ्लैट टोपोग्राफी मिल जाए। फ्लैट टोपोग्राफी नहीं रहने की कंडीशन में हमारा सॉइल इरोजन भी होगा जिसके कारण से हमको दिक्कत बढ़ जाएगी। देन आता है सॉइल कंडीशन, नर्सरी की सॉइल ऑलवेज सैंडी लोम से लोम होनी चाहिए, क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही आपके किसी भी प्रकार की प्रजाति को हम उगा सकते हैं। इसीलिए हमको नर्सरी के कंडीशन में वेल ड्रेन्ड सॉइल की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल आपकी सैंडी लोम से लोम होती है। सॉइल में आपका रिच ह्यूमस होनी चाहिए और स्लाइटली एसिडिक टू नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, अर्थात हमको बेसिक सॉइल्स में नहीं है, हमको एसिडिक सॉइल भी रहेंगे तो चलेगा। एंड फ्री फ्रॉम द इंजूरियस सॉल्ट्स, आप बेसिक सॉइल्स में जब भी जाएंगे तो सॉल्ट्स नहीं लेगा। ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर टेबल हाई होनी चाहिए एंड अवॉइड द प्रोन ऑफ द फ्लड, जहां पे फ्लड आते हैं उस क्षेत्रों को हमको अवॉइड करना चाहिए नर्सरी बनाने के लिए। फिर वाटर अवेलेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नर्सरी में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी। यदि आपके पास अच्छा पानी है, सॉल्ट फ्री वाटर है और पर्याप्त पानी है तभी आपकी नर्सरी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आपकी बीज बुआई से लेके बीज के बढ़ने तक और मुख्य रूप से जैसे हमारे सेंट्रल इंडिया जो होता है वो ड्राइनेस रीजन में आता है, इस कंडीशन में गर्मी, यहाँ पे गर्मी में ही मैक्सिमम सीड बेयर्स होते हैं, क्योंकि वो जैसी बरसात लगती है तो उछड़ जाते हैं और नेचुरल कंडीशंस में आपके वो बरसात के समय में उग जाते हैं। हमको यदि यहाँ नर्सरी मंगाना है तो नर्सरी में हमको क्या चाहिए, गर्मी के सीजन में हमको पौधरोपण करना है, बीज बुआई करनी है तो बीजों के लिए पानी चाहिए। सैंडी लोम सॉइल है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो पानी सर्कुलेट हो जाएगा, तो डेफिनेटली पानी वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी कंटिन्यूस होती है, इसीलिए हमको पानी लगातार चाहिए। पानी के लगातार होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी हम स्ट्रीम से भी ले सकते हैं, तालाब से भी ले सकते हैं, कुएं से भी ले सकते हैं, लेक से भी ले सकते हैं या आर्टिफिशियल रिजर्वायर से भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम, इससे हमारा वाटर फ्री होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, क्लोराइड ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम, सल्फेट ऑफ द फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, इस प्रकार से जो सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट्स फ्री होना चाहिए, वाटर ऑलवेज सॉल्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि यदि सॉल्ट रहेगा तो हमारी जो ग्रोथ है वो हेम्पर्ड होती है। देन आते हैं लेबर मैनेजमेंट, हमारे पास सुटेबल लेबर होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, वेजिटेशन नॉट टू बी फ्री नॉर विद विदाउट ट्री, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन। आप यदि टोटल पूरा खुला एरिया में जाएंगे नर्सरी बनाने के लिए तो वहां पे गर्मी के समय या दोपहर के समय में लेबर को खाना खाना है, रेस्ट करना है, वो नहीं हो सकता। यदि बहुत ज्यादा डेंस एरिया में आपने नर्सरी ले ली तो सीडलिंग्स जो होते हैं वो लाइट डिमांडर होते हैं, आपकी ऊपर से सनलाइट ट्री के कारण नहीं आ पाएगी तो नीचे ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो इस कारण से जहां पे भी सीड बेड, मदर बेड या
कुछ ट्रांसप्लांटिंग बैठ रहते हैं उनके ऊपर छाया ना आए, इस हिसाब से वृक्ष हम, और यदि वृक्ष वहां पर है तो हमको रोड इस हिसाब से निकालनी चाहिए कि वो वृक्ष रोड के साइड में आ जाए, जिससे कि न हमारे पेड़ पड़े और ना ही हमारे नर्सरी में पड़े, और साथ ही साथ उस वृक्ष का उपयोग हम एज ए सीड सेंटर के रूप में कर सके, जिससे कि नर्सरी का एनवायरमेंट जो है वो एक तो सूदिंग इफेक्ट रहेगा, साथ ही साथ वहां पे लेबर जो है खाना खा सके, बैठ सके, और हमको भी गर्मी के समय में वहां पे काम करने में आसानी। देन आता है एस्पेक्ट एंड एटीट्यूड, कि बेसिकली जब हम नॉर्थ इंडिया या फिर अपर रीजन में जाते हैं जहाँ पे कि हिलॉक्स रहते हैं वहां के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, और ये स्पीसीज टू स्पीसीज जैसे वेजिटेशन की स्पीसीज पे डिपेंड करता है, सेम एज इट इज उनकी नर्सरी ग्रोथ के लिए भी एस्पेक्ट एंड एटीट्यूड आवश्यक होता है। अदर फैक्टर जैसे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है क्योंकि आप जहाँ बिजली रहेगी, पानी है, रोड है, जिसके कारण से आपको दीगर डिपार्टमेंट से भी आपका समझ में होना चाहिए। नॉर्मली हम एक जैसे लेआउट की बात करते हैं कि अब लेआउट कैसा होना चाहिए, इतनी बातें तो मैंने आपको बताई, जैसे हमने रोड बताया कि यदि आपके वृक्ष हैं आप उसको रोड वैसा निकाल लीजिए जिससे कि आसान हो जाए, वृक्ष आपके रोड पे आ जाए ताकि मदर बेड पे पड़े। तो इस प्रकार से हम कोशिश ये करते हैं कि जब लेआउट देते हैं तो लेआउट में हमारा सेंट्रल पार्ट जो है, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसमें हमारे लेबर प्लस पंप हाउस और ये ऑफिसेस आते हैं, जिससे कि स्टोर ऑफिस ये सेंट्रली लोकेटेड होने से हम यहाँ पे बैठ के या हम आते जाते भी पूरी नर्सरी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, सेकेंड बात, पूरी नर्सरी को हम चेन लिंक फेंसिंग से या फिर परमानेंट हेज नेचर के फेंसिंग से कवर्ड करते, जिससे कि मवेशी या कोई भी एबनॉर्मल तत्व वहां पे ना सके। तीसरी बात, ये नॉर्मल लेआउट हमने किया है, सेंट्रल लाइन अलाइन कर दिया, सिंपली चार सेक्टर में बांट दिया नर्सरी को, अदरवाइज हमको ये मौके भी जैसा भी स्थिति बने उस हिसाब से नर्सरी करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है मदर बेड, आपका ट्रांसप्लांटिंग बेड, स्टोरेज कैपेसिटीज एंड अदर एक्टिविटीज, इन सबकी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से हो, प्लांट वे में हो, ऐसा नहीं कि हमको जहां जो चीज समझ में आए वो करेंगे। वाटर जहां पर है वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सेट्स हमको लगेंगे सेट बनानी चाहिए, तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, एक्सटर्नल फेंसिंग इंपॉर्टेंट है, देन रोड एंड इंस्पेक्शन पार्ट, बिल्डिंग ऑफिस स्टोरेज रूम लेबर हट एंड सेट्स, सीट जर्नलिज्म नर्सरी बेड्स जो मैंने आपको बताया जैसे इस पार्ट में हम लेते हैं, इरिगेशन सिस्टम पूरे में इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमको इरिगेशन, नर्सरी में जितना पानी की हमको आवश्यकता है उस हिसाब से हमको उसके इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम, इरिगेशन का जो पानी एक्सेस होगा वो ड्रेनेज हो सके। देन आता है बात होती है साइज ऑफ नर्सरी, हमको नर्सरी कितनी साइज की रखनी, कितनी बड़ी रखनी, नर्सरी हमको बेसिकली डिपेंड होता है इंसेक्टों पे, स्पीसीज हम कौन सी लगा रहे हैं, एज ऑफ सीडलिंग हमको कितना चाहिए, नंबर ऑफ सीडलिंग कितना चाहिए, एरिया फॉर बिल्डिंग के कितना है, रोड इंस्पेक्शन पाथ, इरिगेशन चैनल, ड्रेनेज चैनल एक्सेट्रा, स्पीसीज। अब हम बात करते हैं पहली बात है स्पीसीज, किस की हमको नर्सरी चाहिए, कौन सी प्रजाति को हमको लगाना है, इसमें भी नर्सरी डिपेंड करती है, जितनी बारिश नीड है जितने हमको वो करना है कि हम नॉर्मली एक बेड में 1000 के आसपास करते हैं, तो 1000 बेड के हमको यदि 10 लाख पौधे चाहिए हैं तो हमको 10 लाख पौधे के हिसाब से नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। यदि हमको ये हुआ नॉर्मल कंडीशन, मतलब आपने जनवरी दिसंबर में बीज हुआ और जून में आपने काट, या फिर पौधा तैयार हो गया पौधा 3-20 वर्ष हो गया अर्थात एक सीजन, जहां आते वक्त की हमको 2 साल की स्पीसीज होती, जैसे आपके टेक्टोना ग्रांडिस का जब बीज हुआ होगी अप्रैल मई में तो उसका पौधा तैयार नहीं होता है जून जुलाई में लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं रूट सूट बनाने के लिए उसको एक साथ पौधा कर देते हैं, हम मोटाई तक आए तब हम रूट सूट बना सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पौधा आपका वो स्पीसीज आपकी एक साल एक्स्ट्रा वहां पे होल्ड करती है, अर्थात यदि हम करंट या दूसरी बिगर स्पीसीज दे रहे हैं वो हमारे को यदि हमको 1 लाख का प्लांटेशन है तो हमको 1 लाख ही बेड चाहिए। जब हम सावन की बात पे आते हैं सावन के लिए हमको क्या चाहिए, 1 लाख तो लास्ट ईयर के लिए चाहिए, 1 लाख इस साल का, अर्थात 2 लाख की हमको कैपेसिटी दे रही है स्पीसीज।
कितनी अचीव चाहिए आपको, छोटी सी टीम करके 4-6 महीने की, जैसे मैंने आपको अभी बताया अप्रैल में भी हम उसको लगा देते हैं, अप्रैल में बीज बुआई किए तो जून जुलाई में भी हम फील्ड में जाके लगा रहे हैं, तो हमारे पास 3-4 महीने की सीटिंग होगी, 3-4 महीने की सीटिंग लगभग इस तरह। यदि हमको कल प्लान कराना है तो साल दो साल लगेगा, जितने टाइम वो होल्ड करेगा उतना एरिया नंबर ऑफ कल्टीवेशन हमारे साथ एरिया का होता जाएगा। अर्थात साइज ऑफ नर्सरी इज डिपेंड्स अपॉन द एज एंड स्पीसीज, मेनली ऑफ दैट स्पीसीज, क्या हम कौन सी प्रजाति वहां पे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ सीडलिंग, हमको कितनी सीडलिंग चाहिए है, हमारा हो सकता है इस साल में लगाने का 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 4 लाख हो, तो हम कितनी तैयारी करेंगे उस पर तो डायरेक्टली है, या जैसा आप हमारे पास एरिया है उस हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन आता है कौन कौन से हमने बिल्डिंग मॉक पे बनानी है, ऑफिस बनाना है, स्टोर रूम बनाना है, सेट बनाना है, जर्मिनेशन सेट बनाना है, किस कितने प्रकार के हमको परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने हैं। उसके बाद आता है हमारा फिर रोड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम, ये लगभग आपका 40% एरिया जनरली निकल जाता है, मैन पार्क रोड, देन आपके स्पेशल पार्क लगभग 3.5 फीट का, एंड आपकी इरीगेशन सेंटर, इन सबको मिलाते हुए लगभग 40% एरिया आपका मोटर इस एरिया में निकल जाता है। हमारे एक थंब रूल होता है, जैसे जनरली हम जो नर्सरी लगाते हैं तो प्लांटेशन एरिया का 0.5 से 0.25% ऑफ द टोटल एरिया, अर्थात यदि हम 100 हेक्टेयर प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो 0.5 हेक्टेयर की हम नर्सरी रखेंगे, ये जनरल थंब रूल है। बाकी ऐसा स्पीसी तो सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ हमारे ऑफिस चीजों में हमारी नर्सरी कैसी है, परमानेंट स्ट्रक्चर भी कैसी है, और हमारा उस पर कंसर्न कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी साइट, जब हमने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली कि नर्सरी हमको यहाँ बनानी है, नर्सरी की इतनी साइज होगी, ये जगह है, तब हम सबसे पहले जाते हैं और नर्सरी में लेवलिंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भूमि यदि ऊपर खबर रहेगी तो हम उसमें कोई भी चीज नहीं कर सकते, तो लेवलिंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे पहले हम उसको पैटर्न देखेंगे, नहीं होगा तो लेवलिंग करेंगे। देन सरफेस ड्रेसिंग, जितनी भी आपके ऊपर डेविंग या रेस्टोरेंट या होगा उनको हटाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो क्लाउ से हो, चाहे ट्रक से हो, चाहे मोटर क्लाउ अपन यूज करें, जैसा भी होगा हम इसको सरफेस क्लीन करते हैं। इसके बाद हम एक डिजाइन लेंगे, डिजाइन के हिसाब से आपका रोड, इंस्पेक्शन पार्क एंड ड्रेनेज चैनल, इरीगेशन चैनल, ये सारी चैनल्स